नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आज आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि दीपावली का महापर्व, जिसे शास्त्रों में वर्ष का सबसे बड़ा महापर्व बनाया जाता है, ये 31 तारीख को मनाए या फिर 1 नवंबर को। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि पंचांग निर्माताओं के मतभेद के चलते बहुत से त्योहारों को हमने 2 तारीखों पर आता हुआ देखा। सिर्फ 1 त्योहार अभी तक बचा हुआ था, वो है दीपावली। और इस वर्ष पंचांग निर्माताओं के मतभेद के चलते ये इस वर्ष के आधार पर ये डाउट इस महापर्व पर भी निर्मित कर दिया गया कि कई पंचांग कह रहे हैं 31 को दीपावली का महापर्व होना चाहिए और कई पंचांग कह रहे हैं 1 नवंबर को। और अब कंडीशन इस प्रकार से आ चुकी है कि कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। ये एक ईगो वाला पॉइंट हो गया है जो कि शास्त्र और समाज दोनों के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। किंतु आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शास्त्र प्रमाण के आधार पर ये कार्यक्रम देखने के पश्चात आपके सभी संशय दूर हो जाएंगे कि दीपावली हम 31 को मनाएं या 1 को, और इसमें शास्त्र मत क्या कहता है। जनता बहुत समझदार है। आज से पहले जो हमारे पूर्वज करते आए हैं वो ही आप करेंगे या फिर अलग, ये पहला मेरा एक प्रश्न है। दूसरी अवस्था, हर एक अवस्था को एक ही तरीके से हम नहीं मान सकते। बहुत से त्योहार होते हैं जिसमें दिन का प्रमाण माना जाता है और बहुत से त्योहार ऐसे होते हैं जिसे रात्रि प्रमाण में माना जाता है। जैसे शिवरात्रि, रात्रि का महत्व है। नवरात्रि, शरद पूर्णिमा, दिन में इसका कोई महत्व नहीं है, किंतु जब 16 कलाओं से चंद्रमा परिपूरित होता है तो रात्रि का प्रमाण माना जाता है। और उन सब त्योहारों में सबसे बड़ा प्रमाण है दीपावली का, जो घोर अमावस्या की रात्रि के अंदर सभी लोग जो सनातन को मानते हैं वो इस पर्व को मनाते हैं। अब ऐसे में आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि अमावस्या की रात को आज से पहले आप दीपावली मनाते आए हैं या प्रतिपदा को? आप सभी लोगों का एक ही जवाब होगा कि अमावस्या की रात्रि। अब समझने की बात यह है कि शास्त्र एक तरफ कहता है कि ये रात्रि प्रमाण का त्योहार है, और अगर हम 1 तारीख को त्योहार मना रहे हैं दीपावली का, तो उस दिन तो प्रतिपदा होगी, और प्रतिपदा के अंदर आज से पहले कभी जीवन में ही जब दीपावली का महापर्व मना ही नहीं है तो इस बार कैसे? दीपावली की स्थिति में 3 ऐसे प्रमाण ये सिद्ध कर रहे हैं कि दीपावली 31 तारीख की ही होनी चाहिए। अब बहुत से लोग जो 1 तारीख को कर रहे हैं, इनको पता है कि पंचांग निर्माताओं ने ये बड़ी गलती की है, किंतु अपने ईगोइस्टिक के चलते अपने अपने प्रमाण रखने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु आप सभी लोग समझदार हैं, जो हमारे पूर्वज करते आए हैं हम वो करेंगे या फिर नई पद्धति के ऊपर हमको चलना है। प्रतिपदा के ऊपर एक सूत्र कहता है कि जब सूर्य महाराज और चंद्रदेव अस्त कर दे, सूर्य चंद्रमा को अस्त कर दे, तो घनघोर काली घटा की अमावस्या आती है और वो स्थिति निर्मित होगी 31 तारीख को। 1 तारीख को शाम को 6:13 के पश्चात में प्रतिपदा चालू हो जाएगी। अब ये जो 1 तारीख को कह रहे हैं कि दीपावली मनाई जाए, इनका पहला तर्क क्या है कि उदयात की अमावस्या 1 तारीख को आ रही है, तो ये रात्रि काल का त्योहार है तो उदयात तो इसमें लिया ही नहीं जाता। दूसरी अवस्था, प्रदोष काल में पूजन होनी चाहिए, तो आप मुझे बताइए कि कितने लोग प्रदोष काल में पूजन करते हैं? शाम को 5:30-6 आप में से कितने लोग प्रदोष काल में पूजन करते हैं? जिन लोगों के ऑफिस है, फैक्ट्री है या फिर अपनी दुकानें हैं, वो शाम के समय में पूजा कर जब सभी परिवार के सदस्यों के साथ में आप पूजा करते हैं, वो रात्रि काल का ही होता है। अगर हम 1 तारीख को दीपावली मनाते हैं तो सिंह लग्न ही नहीं आएगा। प्रतिपदा के अंदर सिंह लग्न का कोई महत्व ही नहीं है, और पहले के जमाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता अगर किसी को दी जाती थी, किसी लग्न को दी जाती थी, वो सिंह लग्न होता था। दूसरा प्रमाण,
एक नवंबर को जो प्रदोष काल रहेगा वो एक घटी का रहेगा। और शास्त्र क्या कहता है कि किसी भी त्योहार स्पेशली दीपावली के अंदर जो प्रदोष काल होना चाहिए वो ढाई घटी का होना चाहिए, लगभग 2.25 से 2.5 घंटे का। और इस समय तो 1 घंटे का 1 पल की स्थिति बन रही है, तो यहाँ पर भी 1 नवंबर खंडित हो रही है। अब सबसे बड़ी हास्यप्रद अवस्था जो 1 नवंबर के पंचांगों में बताई जा रही है कि ये कह रहे हैं 29 तारीख को धनत्रयोदशी मनाई जाएगी। 29 तारीख को जो उदयात तिथि है वो द्वादशी है। अब एक जगह ये उदयात तिथि को ले नहीं रहे हैं, धनत्रयोदशी मना रहे हैं, फिर 30 तारीख इन्होंने खाली छोड़ दी, 31 तारीख को रूप चतुर्दशी बना दी और 1 तारीख को अमावस्या का महापर्व बना दिया। अब ये पंच दिवसीय त्योहार है। आज से पहले कभी आपने देखा है कि 3 दिन के त्योहार आपने एक साइड में मनाए, बीच में 1 दिन का त्योहार छोड़ दिया और उसके आगे जाकर आप 2 त्योहार मनाने लगे? ऐसा नहीं, इसका नाम ही पंच दिवसीय त्योहार है जो धन त्रयोदशी से चलकर भाई दूज तक कंटिन्यू चलता है। एक जगह आप उदयात तिथि ले नहीं रहे हो धन त्रयोदशी पर, दूसरी अवस्था में 1 नवंबर को आप उदयात तिथि ले रहे हो जिस समय रात्रि काल के अंदर अमावस्या आएगी भी नहीं, तो ये एक स्थिति बहुत स्पष्टीकरण में आपके लिए बनकर आ रही है कि आपको सभी लोगों को 31 तारीख की रात्रि को ही 31 तारीख को ही अमावस्या मनानी चाहिए, दीप मालिका का महापर्व मनाना चाहिए, क्योंकि ये संपूर्ण रात्रि के अंदर अमावस्या की कैलकुलेशन ही बनेगी। अब एक सबसे बड़ी स्थिति जो कि आपके मन को भी ये सोचने पर मजबूर करेगी कि सच में 31 तारीख ही इसमें मान्य होनी चाहिए। आपको पता है संपूर्ण भारत के 30% एरिया के अंदर 1 तारीख को प्रदोष काल ही नहीं आ रहा है, और जब प्रदोष काल के डंके बजा रहे हैं कि 1 तारीख को प्रदोष काल के व्यापनी तिथि के अंदर ये दीपावली मनानी चाहिए, तो 1 तारीख को तो 30% एरिया के अंदर प्रदोष काल आ ही नहीं रहा है, तो वो क्या करें? वो फिर किसी और जगह जाके दीपावली मनाए या अगले साल जाकर दीपावली मनाएंगे? ये बिल्कुल एक बिना हाथ पैर की बातें कर रहे हैं और अपनी गलती को स्वीकार करने की बजाय अपनी बात पर जिदे हुए हैं। किसी भी प्रमाण को आप देखेंगे तो 1 नवंबर की दीपावली बन ही नहीं रही है, 31 तारीख की दीपावली का योग बन रहा है। बहुत लोग इस वर्ष पूरे साल इंतजार करते हैं दीपावली के दिन अपने मंत्रों को सिद्ध करने के लिए, अपने यंत्रों को सिद्ध करने के लिए, वो किस दिन पूजा करेंगे? वो भी 31 तारीख को ही पूजा कर पाएंगे, क्योंकि दीपावली की अमावस्या की रात्रि हमें चाहिए। और इस स्थिति के आधार पर हर एक पहलू से यही क्लियर होकर आ रहा है कि 31 तारीख को ही दीपावली मनाई जाए। तो मैं आप सभी लोगों को ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं और ये आपको समझ में आएंगे, बिना शास्त्र को साइड में रखकर लॉजिकली वे में समझिए कि इन 5 दिवसों के अंदर क्या कभी बीच में गैप आया है, क्या आपने आज से पहले कभी प्रतिपदा के दिन पूजन की है, क्या आज से पहले आपने 5 बजे ही पूजन कर दीपावली पर छोड़ दिया है, या फिर आपने आज से पहले संपूर्ण भारत के 70% एरिया में दीपावली मनाई है और 30% में नहीं मनाई। अगर ये सभी जवाब आपके लिए बहुत महत्वपूर्णता रखते हैं तो आपके मन में क्लियरिफिकेशन आ गया होगा कि दीपावली किस दिन मनाई जाए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।